तो लीजिए सुपर संडे है फिर से और दो मैचेस हैं। आज पहला मैच जो होगा वो दुबई में होगा और ये मैच है बैंगलोर और चेन्नई के बीच में। और अब तो पिक्चर क्लियर होती चली जा रही है, जो चार टीमें टॉप पे हैं वो है मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, बैंगलोर और कोलकाता। कोलकाता को भी अभी थोड़ा सा मेहनत करनी रह गई है, पर बाकी चार टीमें जो रह गई हैं हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई के तो कोई बिल्कुल हाल खराब हो चुके हैं, बिल्कुल रेस से बाहर हो चुके हैं। बाकियों में थोड़ा सा गणित है, अगर गणित घुमाए तो शायद मौका है, पर मुझे लगता है कि जब तक गणित के बारे में सोचे उससे पहले मैचेस जीतने ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस मैच की मेरी फैंटेसी टीम जो है वो है, जो जाहिर किसे नाम है वो तो है एबी डिविलियर्स, के बारे में मैं क्या कहूँ, अब सब तक सब कुछ मैं कह चुका हूँ मैं। और कोहली की फॉर्म भी थोड़ी अप एंड डाउन है, पर लगता है कि धीरे धीरे फॉर्म में आते, बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट में फॉर्म में आना बेहतर है, बनिस्पत पहले आप फॉर्म में आ जाए और बाद में आपकी फॉर्म चली जाए। देव पडिकल की भी शुरुआत बड़ी जबरदस्त हुई थी, पर थोड़ा सा उन्हें दुबई की पिच पे संभल के खेलना होगा क्योंकि उनका भी ग्राफ थोड़ा नीचे जा रहा है। वॉशिंगटन सुंदर ये मेरे ऑलराउंडर टॉप ऑफ द लाइन है, क्योंकि नई गेंद से जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ उनकी वैल्यू मुझे तभी समझ में आती है। डुप्लेसी और राइडू ये दो टॉप ऑफ द लाइन बैट्समैन मैं चेन्नई की टीम से सेलेक्ट कर रहा हूँ। राइडू सबसे बेहतरीन लगे अब तक, जो भी हाल है उनकी टीम का उसमें से सिर्फ वो अकेले एक प्लेयर है जिनमें थोड़ा सा लगा है कि एडजस्टमेंट करने की क्षमता है उसमें। डुप्लेसी की भी फॉर्म डिप कर गई है, पर फिर भी मुझे लगता है कि वो वहां आज परफॉर्म करेंगे। सैम करन एक जबरदस्त प्लेयर उनकी टीम से है, पर क्या करें क्योंकि टीम ही अच्छा नहीं कर रही, तो वो थोड़े छुप से गए हैं बीच में, पर फिर भी पिछले मैच में 50 बनाया था। आज की टीम के वाइस कैप्टन मैं बना रहा हूं सैम करन को और कैप्टन मैं रखूंगा कोहली को। क्रिस मॉरिस एक ऐसे ऑलराउंडर आने से एकदम से बैंगलोर की टीम की जो है फॉर्मेट ऐसा लग रहा है कि अब बढ़िया बैलेंस बन गया है उनका। ही इज लुकिंग वेरी गुड एज अ सीमर, पर बैटिंग में भी उनकी अभी यूटिलिटी रहेगी आने वाले मैचेस में आप देखेंगे। शार्दुल ठाकुर चलिए अच्छी रिदम में गेंदबाजी कर रहे हैं, बीच में एक दो मैचेस में जिताने की कोशिश भी की उन्होंने, पर एकदम स्टार परफॉर्मर नहीं बन पाए। युजवेंद्र चहल ये मेरे लेग स्पिनर हैं, टॉप दल राशिद खान के साथ अगर मैं बात करूँ टॉप टू लेग स्पिनर्स हैं मेरे हिसाब से इस लीग के, तो ही इज इन माई टीम। सो ये है मेरी टीम दुबई के मैच की, बैंगलोर चेन्नई सुपर संडे का पहला मैच।